जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर पांचवे स्कंद का 18वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। लगे परीक्षित पूछने, कहो मुनीष बुझाए, अन्य उत्सरों का सकल विवरण तत्व बताए। सुने, श्री सुखदेव जी बोले, उसी तरह भद्र शवखंड में भद्र शर्वा नाम का धर्म राज का पुत्र और उसके गण हय ग्रीव भगवान की मूर्ति की उपासना करते रहते हैं और उन हय ग्रीव भगवान का ही मंत्र जपते रहते हैं, अनेक प्रकार से स्तुति करते रहते हैं। हरे वर्ष खंड में भगवान नरसिंह रूप से विराजमान रहते हैं, पर प्रहलाद जी उन खंड वासियों के साथ बड़ी भक्ति भावना से नरसिंह भगवान की उपासना में लगे रहते हैं और उनके ही ओम नमो भगवते नरसिंहाय आदि मंत्र को जपा करते हैं और स्तुति करते रहते हैं। केतु माल खंड में भगवान अपने कामदेव के रूप से विराजमान हैं। वे कामदेव भगवान रात्रि और दिन के अभिमानी देवताओं के और लक्ष्मी जी के प्रिय करने की इच्छा से अपने सुंदर हास्य अवलोकन कटाक्ष आदि से लक्ष्मी जी के साथ रमण करते रहते हैं। उन्हें कामदेव भगवान की रमा देवी जी उपासना करती रहती है और उन्हीं के मंत्रों को जपती रहती है तथा स्तुति करती रहती है कि हे ऋषिकेश स्त्री, आपका व्रतों से आराधना करके भी फिर दूसरे पति को चाहती है। यह व्रत ही है जिस पति को प्राप्त होने पर सब प्रकार से स्त्री निडर हो जाए, वही पति प्रार्थना करने योग्य है। ऐसे तो केवल आप ही हैं जो निष्काम भाव से आपके चरणों बिंदु की सेवा करती है, वह मनोरथों को पा लेती है। जो स्त्री किसी फल की इच्छा से आपका पूजन करती है, उसे एक ही फल मिलकर रह जाता है। ब्रह्मा और शिव जी आदि बड़े बड़े देवता भी मेरी प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं, परंतु वे भी तुम्हारी भक्ति के बिना मुझ लक्ष्मी को नहीं पाते। हे ईश्वर, आपकी इच्छा को कौन जान सकता है? वह आप मेरे सिर पर अपने कर कमल को स्थापित कीजिए। रम्य खंड में हरि भगवान मत्स्य रूप से विराजते हैं। उनकी व्यवस्थवत मनुजी आराधना करते रहते हैं और उनके ही मंत्र का जप तथा स्तुति करते रहते हैं। हिरण्यखंड में भगवान कूर्म रूप से विराजमान रहते हैं। उनकी पितृगणों के अधिपति आर्यमा देवता स्तुति करते रहते हैं और उनका ही मंत्र जपते रहते हैं। इसी तरह उत्तर के कुरुखंड में भगवान अपने वारह रूप से विराजते हैं। पृथ्वी देवी वहां भक्ति से उनकी आराधना में रहती है तथा उनकी स्तुति और उनके ही मंत्र को जपती रहती है। पृथ्वी कहती है कि हे भगवान, युद्ध में हिरण्याक्ष दैत्य को मारकर मुझे अपनी डाढ़ के अग्र भाग पर रखकर रसातल से लाकर स्थापित किया था। ऐसे आप पारे भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। 18वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 19वां अध्याय। यह आप दूसरी वीडियो में सुने।
बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव। बम बम भोले। जय भोले।